जब आपके फेसबुक पेज के ऊपर 5000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाता है और आप यहाँ पर 60000 मिनट का जो है वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लेते हो 60 दिनों के अंदर, फिर यहाँ पे आपको 30 दिनों के अंदर 5 वीडियो भी अपलोड करना होता है। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लोगे तब आपका जो फेसबुक पेज है यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा इन स्ट्रीम ऐड के लिए। आप देख सकते हो सेटअप बटन आ चुका है। और मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल पेज नहीं है, ये मेरा सेकंड पेज है जो कि मैंने परचेस करा है। आप देख सकते हो आज ही मैंने इस पेज को परचेस करा है, ये मेरा ओरिजिनल पेज है ही नहीं। मेरा ओरिजिनल पेज ये वाला था और ये जो है मोनिटाइज नहीं था क्योंकि यहाँ पे जो है फॉलोवर्स का बहुत ही ज़्यादा कमी था, लोग यहाँ पे यार फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो मैं सोचा चलो मैं थोड़ा सा पैसे लगा के पेज ही खरीद लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है 5000 का जो है फॉलोवर्स है और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो अपलोड करेंगे, हमारा जो है पेज ऑलरेडी मोनिटाइज रहेगा तो हम यहाँ पे अर्निंग करने लगेंगे। अब क्या करें, लोग यार फॉलो कर नहीं रहा है तो हमें ही थोड़ा सा कुछ करना पड़ा। तो थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टमेंट करा और यहाँ पे मैंने पेज ही परचेस कर लिया। तो आप लोग भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारे लोग जो है पेज सेल करते हैं आज के टाइम में। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे नीचे में कमेंट कर दो, मैं आपको जो है कॉन्टैक्ट करवा दूँगा या फिर आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पर भी चैट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, देख लो ये हमारा पेज है, यहाँ पे फॉलोवर्स आप देख लो 5290 फॉलोवर्स है और यहाँ पे देख लो रिच जो है उतना सही है नहीं क्योंकि ये पेज जो है कोई मतलब वीडियोस अपलोड नहीं करता था तो मतलब रिच वगैरह इसके ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी वीडियो अपलोड करेंगे तो रिचेस जो है वो हाई हो जाएगा इसका ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लो अभी हम मोनिटाइज वाले बटन पर क्लिक करेंगे फिर देख सकते हो यहाँ पे ये सब चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, बस एक ही चीज़ के लिए अभी एलिजिबल है और वो था ऊपर का। तो देख लो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो है 30 दिनों के अंदर 500 फॉलोवर्स कंप्लीट करना है और यहाँ पे देख लो फिर जो है ये भी स्टार बटन भी इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोनस का भी यहाँ पे सीन है, देख लो बोनस में क्या कह रहा है, वो भी इनेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लाइव ऐड भी इनेबल हो जाएगा, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है सही हो जाएगा। बस हमें जो है फॉलोवर्स की ज़रूरत है, हमें जो है 10000 फॉलोवर होगा तो हम लाइव एड्स के लिए भी इनेबल जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अभी देख लो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो है एक दो चीज़ कंप्लीट हो चुका है और बाद बाकी जो है यहाँ पे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे लाइव करने के लिए बोला है, आपको जो है लाइव करना है 90 दिन के अंदर 3 वीडियो, तो ये तो आप तुरंत ही कर लोगे, किसी भी चीज़ का आप लाइव कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको करना है सेटअप, जैसे ही आप सेटअप करोगे तो आप जो है यहाँ पे अर्निंग करने लगोगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लाइव, तो ये देख लो ये मेरा जो है पेज है और हम नीचे में जो है गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो पे आउट है वो सेलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास कोई भी पे आउट नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू बिजनेस इन्फो पर क्लिक करके अपना पे आउट को सेट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देख लो, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट करेंगे एक सेलेक्ट करके, और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल सा जो आपका डिटेल्स है वो पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपका यहाँ पे नाम है रियल वाला, जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट में है आप वही नाम एंटर करें और वही बर्थडे एंटर करें। उसके बाद यहाँ पे हम अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, नीचे में हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का पेजेस आएंगे जिसमें ये कहते हैं कि आपको अपना बिजनेस टाइप और कंट्री सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ये हमारा पर्सनल बिजनेस है तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और नीचे में यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ और हमें सेलेक्ट करने के लिए देगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो हमारा जो है लीगल फर्स्ट नेम और यहाँ पे लीगल सरनेम, और उसके बाद यहाँ पे हमारा बर्थडे है, देन यहाँ पे आपको जो है हमारा प्राइमरी एड्रेस, तो एड्रेस जो भी आपके गांव का जो भी आपके सिटी का है वो नाम आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव आपके सामने, तो यहाँ पर मैं अपना जो विलेज का नाम है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना टाउन डालेंगे, तो टाउन जो भी आपका टाउन है वो आप टाउन का नाम डालें, टाउन में जैसे कि आप अपना ज़िला का या फिर जो भी कह लूँ वो आपको डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ ऐसे HAR सहरसा, उसके बाद यहाँ पे मैं बिहार कर लेता हूँ, देन यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर करना है जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करें, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे में यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, तो चलिए हम एंटर कर देते हैं
आपको भी अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। वीडियो जो है लंबा हो रहा है तो मैं वीडियो को जो है लंबा बना रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास कोई GST है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम इसको स्किप करेंगे। देन यहाँ पे हम इस डब्बे में टिक करके और एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या हमारा सब कुछ सही है या फिर नहीं है। तो हमारा जो है सारा चीज़ सही है। तो उसके बाद हम नीचे में यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देन उसके बाद ये कह रहा है कि आपको अपना अकाउंट को सेटअप करना है जिस अकाउंट में आप पैसे को यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, पहला जो है बैंक ट्रांसफ़र है, दूसरा जो है वायर ट्रांसफ़र है, और उसके बाद यहाँ पे जो है आप पेपल के थ्रू भी आप पैसे यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा यहाँ पे बैंक का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बैंक अगर आप सेलेक्ट करोगे तो मिनिमम जो आप पे आउट है यहाँ पे सिर्फ $25 का है, और ये जो पैसे है सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप वायर ट्रांसफ़र करोगे तो $100 का है, और यहाँ पर पेमेंट जो है 7 से 10 दिन के अंदर आपके बैंक में आएगा। उसके बाद यहाँ पे पेपल का कुछ अलग है। तो चलिए मैं अपना जो है फेवरेट बैंक ऑप्शन के साथ ही जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखोगे तो कंट्री जो है ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, और यहाँ पे करेंसी ऑटोमेटिक दिखी जाएगा, आपका नेम भी दिखी जाएगा, और यहाँ पे आपका सरनेम लीगल नेम दोनों दिखी जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड एंटर करना है, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। तो चलिए हम एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे में लिंक जो है पे आउट मेथड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड योर टैक्स इन्फो फिल करना है, यानी कि यहाँ पे टैक्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के लिए कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे में ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो कहेगा कि लॉगिन करने, लॉगिन के लिए हो सकता है आपको अपना ID पासवर्ड डालना होगा। ID पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू करें। उसके बाद यहाँ पर देख लो लिख के आ चुका है टैक्स इन्फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड। तो आपसे पूछा जाता है क्या आप USA का जो है सिटीजन है, तो हम जो है USA से नहीं है तो हम नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे में भी नो करेंगे और नीचे में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो नाम आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना जो कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर चुके हैं क्योंकि हमारा भारत महान, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका पैन नंबर दिख जाएगा, आपको नीचे में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से जो है आपका टैक्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखेगा, जिसमें कि आपका कंट्री का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और आपका जो है पिन कोड। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे में जो है नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 0% सेलेक्ट कर लेना है ऊपर वाले ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो है आपको अपना सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। तो सिग्नेचर में आप जो भी लिखते हो अपना नाम, वो नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, इस बॉक्स में टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक डेट जो है वो सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये डेट जो है आपको ऐसे ही रहने देना है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाता है, देख सकते हो यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन करके एक फॉर्म आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे देख लो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सक्सेसफुल लिख के आ जाता है, हम यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा वेट करना है, आपको भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यार वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो यार। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछो। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हो, बहुत ही गलत बात है, और वीडियो को देख लेते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक करो यार, और यहाँ पे देख लो थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमें जो है वेट करने के लिए कह रहा है, तो हम वेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देन यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का पेजेस आ जाता है हमारे सामने, और दोबारा से जब आप मोनिटाइजेशन वाले सेक्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपका जो पेज है देख सकते हो इन स्ट्रीम एड्स जो है यहाँ पे इन रिव्यू में चला गया है। अब जो है फेसबुक टीम चेक करेंगे, अगर आपका पेज सही रहेगा तो आपके फेसबुक पेज के ऊपर ऐड आना शुरू हो जाएगा, और लोग जो है आपके वीडियोस को वॉच करेंगे और एड्स देखेंगे, और उसी का जो है यहाँ से आपको रेवेन्यू मिलेगा। सो यार आई होप इस वीडियो में मैंने आप सभी को ऐड सेटअप का पूरा वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है, किस तरीके से आपको कर देना है।
आप कुछ इस तरीके से करो, आपका जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये मेरा जानकारी, आप हमें नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछो यार देरी किस बात की है। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, Facebook पे देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो करो और एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स वॉचिंग।